दुर्गापुर के अन्नपूर्णा नगर इलाके में शराब पीने के लिए रुपए मांगने को लेकर दो गुटों के बीच हिंसक झड़प। झड़प के दौरान वाहनों में तोड़फोड़ और बमबाजी किए जाने का आरोप है। डीसी अभिषेक गुप्ता के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल घटना स्थल पर पहुंची। पुलिस इस पूरी घटना की छानबीन कर रही है। शराब पीने के लिए रुपए मांगने को लेकर दुर्गापुर के अन्नपूर्णा नगर इलाके में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई। झड़प के दौरान न सिर्फ वाहनों में व्यापक तोड़फोड़ की गई, बल्कि बमबाजी भी किए जाने का आरोप है। हालांकि पुलिस ने बमबाजी की पुष्टि नहीं की है। इस घटना को लेकर इलाके में तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई। सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। घटना के बारे में बताया जाता है कि शनिवार को एकादशी के मौके पर अन्नपूर्णा नगर इलाके में मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जित की जा रही थी। आरोप है कि प्रतिमा विसर्जन कर लौटते समय कुछ लोगों ने शराब पीने के लिए रुपए की मांग की और रुपए नहीं देने पर उन लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। थोड़ी देर में ही इस घटना ने गुटिया संघर्ष का रूप धारण कर लिया एवं दोनों गुटों के लोगों के बीच टकराव शुरू हो गया। सड़क पर खड़े कई वाहनों में तोड़फोड़ की गई। रविवार को भी इलाके में तनाव की स्थिति बनी रही। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के डीसी अभिषेक गुप्ता खुद पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। डीसी अभिषेक गुप्ता ने बताया कि शुरुआती तौर पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रुपए मांगने को लेकर आपसी विवाद के कारण यह घटना घटी है। झड़प में कौन कौन लोग शामिल हैं उन्हें चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल इलाके में स्थिति नियंत्रण में है। वही दुर्गापुर नगर निगम के बोरो चेयरमैन रमा प्रसाद हालदार ने कहा कि प्रतिमा विसर्जन के बाद इस इलाके के युवक बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे, उसी समय दूसरे इलाके के कुछ असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया। पूर्णनगर सार्वजनिक दुर्गा उत्सव विसर्जन छिल आज के विसर्जन हो जावर पर एखने एलाकार मानुष्ठ मध्य मिस्टी वितरण से मंदिर चार पाँच जन किछु छेले आमादेर एखने सदस्य बसे छिल तो हठात कर पासे एलाकार किछु दुष्कृति এবং মেনলি এরা অ্যান্টি সোশ্যালস বলা যায়, এই অ্যান্টি সোশ্যালরা এসে অতর্কিত আক্রমণ করে এবং এদেরকে মারধর করে, বেশ কিছু জন ছেলেকে মারধর করে, তারপরে এলাকার লোক বেরিয়ে আসার পরে ওরা এখান থেকে পালিয়ে যায়। মানে এখনো পর্যন্ত সেটা উত্তেজনার কারণটা ঠিক বুঝতে পারা যাচ্ছে না। পুরনো কোনো শত্রুতার জেরে, আমার এলাকার ছেলেদের সাথে কথা বলছি, পুরনো কোনো শত্রুতার জেরে এটা হতে পারে, তো এটার কোনো বেস নেই। আমরা চাইছি শান্তি এলাকায় ফিরে আসুক এবং দোষীরা প্রকৃত শাস্তি পান। পুলিশের সমস্ত টিম এসে পৌঁছেছে, এসিপি থেকে ওসি সাহেব থেকে আইসিরা সমস্ত এসে পৌঁছেছে এবং পুরোপুরি এখন শান্তি, মানে এলাকায় শান্তি বিরাজ করছে। দুর্গাপুর সে সাধন রুচকি রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস।